तो सबसे पहले बेटा आपको, आप ऑलरेडी बैच में पढ़ रहे हो तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि हम कैसे मूव करेंगे। आपको लेक्चर देखना है आपको प्रॉपरली, ठीक है, पार्ट वाइज करके थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। आपको एनसीईआरटी हम साथ के साथ करा देंगे, उसके अलावा मैं पीवाईक्यूज का भी आपको कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। उसके साथ मैं आपको एक हैंड रिटन नोट्स दूंगा। तो आपने क्या करना, आपके पास तीन सोर्स रहेंगे बेटा नोट्स के, एक हैंड रिटन नोट्स है, एक एनसीईआरटी आपकी है, और एक ये जो पीडीएफ हम लोग जिसपे लिखते हैं ये रहेंगे। तो आपने किसी एक को लिख लेना है, हैंड रिटन या इस पीडीएफ को, दोनों में से कोई एक लिख के बाकी आपको लगे उसमें से एनरिच कर सकते हैं। एनरिच का मतलब होता है जैसे आपने ये पीडीएफ अपने पेन से प्रॉपरली लिख लिए है तो पेंसिल से कुछ हैंड रिटन से ऐड कर सकते हो, तो कर लेना, कंपलसरी नहीं है कि आप उसको यूज करें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब चैप्टर आपका फिनिश हो रहा होगा तो मैं एक आपको कंबाइन असाइनमेंट भी दे दूंगा जो आप अपना प्रैक्टिस करेंगे डीपीपीस के साथ। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा रहेगा मेथड, हम कैसे पढ़ने वाले हैं। और आपको ऑलरेडी रिस्पेक्टेड मनीष दुबे सर ने जॉलजी के तीन चैप्टर्स करा दिए, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है जिसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमने प्लांट फिजियोलॉजी का क्या लिया है बेटा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट लिया है। सबसे पहले चैप्टर में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी के स्टार्टिंग में मेलविन कैल्विन की फोटोग्राफ दे रखी है, आपने उसमें से याद करना है कि उन्होंने, उनको किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला था। तो मैं वो आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी बताऊंगा कि आपको क्या याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, ठीक है। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आपको प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर बता दें, पांच चैप्टर है हमारे पास टोटल। सबसे पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, सेकेंड चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, थर्ड चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हाइयर प्लांट, फोर्थ रेस्पिरेशन इन प्लांट, एंड फिफ्थ है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉर्मली क्या होता है बेटा, प्लांट फिजियोलॉजी की कंबाइन वेटेज होती है। अगर हम नीट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं कंबाइन वेटेज की फॉर्म में होते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि नीट में, इसमें हम लोग मान लेते हैं, मान लो 8 से 9 क्वेश्चंस हम लोग मान लेते हैं इस 5 चैप्टर से, कई बार 10 भी आ जाते हैं। तो चलिए मैं अराउंड एक 10 क्वेश्चन का पैकेज इसका कर देता हूं कि 10 क्वेश्चन के आसपास 8, 9, 10 क्वेश्चन आते हैं, और किसी चैप्टर से कभी ज्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, अब 2019 के पेपर में 3 क्वेश्चन थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्वेश्चन चैप्टर वाइज उतना फिक्स नहीं, यूनिट वाइज फिक्स है कि इतने क्वेश्चन आते हैं, पर एवरेज आप 2 क्वेश्चन पकड़ के रख सकते हैं इस हर एक चैप्टर से। और आपको ये बताना भी जरूरी है कि ये 3 चैप्टर ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बड़े चैप्टर है, और हमारे पास मिनरल न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये छोटे चैप्टर है। क्लियर है? तो ये कंपैरेटिवली छोटे चैप्टर है और ये 3 हमारे पास।